हरियाणा के प्राइमरी स्कूलों में छात्रों को भारी भरकम होमवर्क से निजात देने की तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। अब कम होमवर्क के साथ व्यवहारिक ज्ञान में बढ़ोतरी करनी होगी। इसका रोडमैप शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार किया गया है। छात्रों को मोबाइल से दूर रखा जाएगा और उन्हें घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। मैं शिक्षा विभाग का आभारी हूं कि उन्होंने एक बहुत बारीकी से और जो आज की ज़रूरत है विशेष रूप से बच्चों को करने का है, ये छुट्टियां हैं उनका, ना केवल वो आनंद ले बल्कि वो छोटी छोटी बातें के ऊपर ध्यान दिलाया है, करने के लिए कहा गया है टास्क के रूप में, कि जिससे कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को एक अलग प्रकार का अनुभव हो। वो जैसे एक सामान्य सी चीज़ें हैं, 10 मोबाइल नंबर अपने परिजनों के याद करें, दादा दादी से कहानी सुने, इसके अतिरिक्त बहुत सारी उसमें बातें बताई गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी बातें बच्चों के दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाली हैं। बहुत अच्छा फैसला है और कुछ सीखने को मिलता है। मतलब हम अपने दादा दादी के पास बैठेंगे, नाना नानी के पास बैठेंगे, गाँव में अपने मंदिर में जाएंगे या किसी और स्थान पर जाएंगे, वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जीवन में ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। जिस प्रकार से कहा गया अगर आप मिठाई खाएंगे तो उसका वीडियो मतलब तो अच्छा है, इससे एक पहचान होती है कौन सी क्या चीज़ है, क्या चीज़ उसका नाम क्या है, क्या है ऐसा ऐसा, और बच्चों में इस बात का इंटरेस्ट भी होगा तो मैं समझता हूँ उसका लाभ रहेगा। तो बच्चों को मोबाइल का व्रत रखने के लिए भी कहा गया छुट्टियों में, उसके क्या कहना है? देखिए, मोबाइल का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो ऐसा मानना है कि उससे आंखों में भी नुकसान होता है और वैसे भी नुकसान होता है, तो जो विशेषज्ञ हैं उनकी इस प्रकार की मान्यता है, तो मैं समझता हूँ अगर बच्चों का घटेगा तो अच्छा रहेगा।